कानून आदमी नहीं लोगे, साफ बात कह रहा हूँ। आप तरीके से बात क्यों रहे? ये मैनेजमेंट चुनता आगे कलेक्टर बैठा है, कलेक्टर के बाद में आगे और अधिकारी बैठे पैसिफिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में संबंध तिरुपति नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों ने रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर भीलो का बेदला स्थित पैसिफिक कॉलेज के बाहर जंगी प्रदर्शन किया। बुधवार को सुबह से ही विद्यार्थी गेट के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी विद्यार्थी बैरिकेड्स को हटाकर अंदर पहुंच गए। इस दौरान हॉस्पिटल में गहमा गहमी का माहौल रहा। पैसिफिक चोर है, हम नहीं भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, सरीखे गगनभेदी नारे लगाकर अपना आक्रोश जताया। बाद में पुलिस के साथ एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुआ। इधर अन्य विद्यार्थी गेट के बाहर ही अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है तब तक हम किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस हम पर लाठी चार्ज ही क्यों न कर दे। विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा द उदयपुर अपडेट्स के साथ शेयर करते हुए कहा है कि कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने के कारण हमारी नौकरियां अटकी है। एम्स जैसे हॉस्पिटल में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने पर काम नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि पैसिफिक कॉलेज को आधिकारिक रूप से ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने के कारण उनका भविष्य अधर झूल में लटका हुआ है। सुनिए प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का क्या कहना है। नाम अजयपाल सिंह राजावत है। मैं 2017 का पास आउट हूँ इस तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के, जो पैसिफिक केंद्र के अंदर आता है। तो हमारे आगे भी एक बैच निकल गया जो हमारा जूनियर बैच था 2018 का। तो इनका राजस्थान मतलब नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन खुद नहीं है, मतलब NOC नहीं मिल रखी है इस कॉलेज को, वो दिलाने की उसके चक्कर में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रुका हुआ है, जिसकी वजह से हमको आगे कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी पास होते हैं वहाँ हमको जॉब नहीं मिलती है। जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट एम्स वगैरह के अंदर SGPGS सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुए हैं और उनको जॉब वहाँ अलॉट नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको ये दिलाएंगे पर इनकी कॉलेज की मान्यता ही नहीं है, इनका कॉलेज है ही नहीं, वो उसको फर्जी साबित कर रखा है राजस्थान काउंसिल ने, जो रजिस्ट्रार जो जयपुर में बैठते हैं उसने। रणनीति ये रहेगी हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे धरने के लिए, तो हमारे ऊपर कोई उपाय नहीं क्योंकि प्राइवेट के अंदर भी हमको नहीं लिया जा रहा है, दिक्कत हमारे ये आ रही है ना। और हमको क्या है डे टू डे मतलब टाइम टू टाइम दे रहे हैं, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, दिन ब दिन चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। कभी एक महीना के रोज बोलते हैं कि आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। अब छुट्टियां नहीं होने के बावजूद भी कॉलेज में क्या छुट्टियां रखेगी? अब जैसे इनकी छुट्टियां क्या है, मकर संक्रांति जनवरी में आती है, कल की छुट्टी मकर संक्रांति की, ठीक है, फिर गुड फ्राइडे की, ठीक है, फिर गुड फ्राइडे निकल गया फिर भी उसकी छुट्टी रखी, फिर ज्योतिबा फूले की जयंती जो निकल गई उसकी भी कल छुट्टी रुकी है। मतलब इनका कोई फिक्स नहीं है, ये अपनी जबान पे नहीं है, मतलब यूं हो रहा है कि आप एडमिशन लेते जा रहे हैं बट कॉलेज की परमिशन नहीं है, पूरा कॉलेज एक तरह से फर्जी है। पास आउट हम 2021 का पास आउट हो गए, अभी 2023 चल रहा है, तो देख लो 2 साल हो चुके हैं। पास आउट हमारा 21 का था, 23 चल रहा है, 2 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, हर साल हर महीने हर 15 दिन में हमें यही मिल रहा है कि आप 10 तारीख को आना, 12 तारीख को आना, 13 तारीख को आना, पर इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं है। और कंक्लूजन इसका ये है कि अगर वो इंस्पेक्शन करा देते हैं तो हमारा काम होगा, बाकी वो हाईकोर्ट दौड़ो या कहीं भी दौड़ो, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। बाकी धमकी देते जो करंट बैच पास हो रहा है कि हम उनको फेल कर देंगे, उनको पास होने नहीं देंगे। जूनियर भी हमारे सपोर्ट में, जूनियर वाले सब हमारे सपोर्ट में थे। इन्होंने कॉलेज में अनऑफिशियली टिल सैटरडे तक हॉलीडे कर दिया, तो अभी कोई ऑफिशियली छुट्टी नहीं है फिर भी इन्होंने छुट्टी कर दी। पुलिस वाले प्रशासन आ जाता, पुलिस वाले हमारे को डराते, कॉलेज हमारे को डराते, ठीक है, और हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, हमारे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। 2 सालों का जब फीस मांगनी होती थी तब हमको कॉलेज से बाहर निकाल देते थे, हमको क्लास में नहीं बैठने देते थे, तुम फीस जमा कराओ तो कॉलेज में बैठोगे। जब हमारी हक की बात आती है तो डेट पे डेट देते हैं। इन्होंने स्टाम्पर पर लिख के दे दिया कि 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। पिछले 2 साल से हमारे को दौड़ा रहे, पागल बना रहे, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आया, हमारे को सेटिस्फेक्शन कोई आंसर नहीं दे रहे। और आज तो ये जो कॉलेज प्रशासन है, जो डायरेक्टर है, वो पता नहीं कहाँ है, हमारे तो अभी तक बात करने नहीं आए। इन्होंने हमसे फीस के नाम पे एक एक बच्चे से 10-10 लाख रुपए लिए, 8 से 10 लाख रुपए, और लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो इन्होंने हमको रजिस्ट्रेशन से डेट दे रहे हैं। 1-2 साल हो चुकी हैं हमको, हम यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री में जा चुके हैं, प्रसादी लाल मीना जी से बात कर चुके, माननीय चिकित्सा मंत्री से, उन्होंने डायरेक्ट बोला है हमको कि कॉलेज को डिवाइड किया हुआ है, ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, तो ये किस बेसिस पे बोलते हैं कि हमको ये दिला देंगे रजिस्ट्रेशन? आज
आज भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक रजिस्ट्रेशन और एनओसी नहीं आएगा हम यहाँ से हटने नहीं वाले हैं। चाहे ये जितना भी हम पर दबाव बनवा ले प्रशासन से, चाहे ये कुछ भी करवा लें, चाहे लाठीचार्ज करवा ले, आज हम यहाँ से नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। और ये क्लियर, जब तक आएंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। ये फीस के नाम पे बच्चों को इतना लूट रहे हैं कि एक एक बच्चे से डोनेशन के नाम पे डेढ़ डेढ़ 2 लाख रुपए ले रहे हैं। किस बेसिस पे ले रहे हैं? जबकि एडमिशन तो यहाँ पर है ना फीस के बेसिस उस पे, डोनेशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, फिर भी ये ले रहे हैं। और उसकी हम जांच की भी मांग करते हैं कि यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार और फर्जी तरीके से चल रहा है कॉलेज। कॉलेज फर्जी होने के बाद भी एडमिशन होना चाहिए।